अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई चिकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चिकन लिया है मैंने 500 ग्राम 500 ग्राम लिया है। इसको मैंने नमक और सिरका डालकर मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको साफ से धो लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने, 2 से 3 चम्मच है। ये डाल देंगे सारा इसके अंदर। ये लिया मैंने काली मिर्च का पाउडर, ये लिया मैंने 1/4 चम्मच। ये लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने, 1.5 चम्मच लिया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, ये 1 चम्मच है। ये धनिया पाउडर लिया है मैंने, 1 चम्मच भर के लिया है पूरा। ये 1/2 चम्मच लिया है मैंने। ये हल्दी पाउडर, ये लिया है मैंने नींबू का रस है, ये 2 चम्मच के करीब है। 1 चम्मच लिया मैंने ज़ीरा पाउडर। 1 चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने। ये चाट का मसाला लिया, ये भी 1 चम्मच है। ये कसूरी मेथी है, इसको मैंने हल्के से हाथ से क्रश कर लिया है। ये 2 चम्मच लिया है मैंने सूजी, 2 चम्मच सूजी है। 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है। 1 चम्मच मैंने लिया है कुटा हुआ मिर्च। और 1.5 चम्मच लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने, 1.5 चम्मच है ये। ये सब हम डाल देंगे इसके अंदर। तो नमक लिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच लिया मैंने भर के। इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी फूड कलर है, ये भी डाल देंगे, इससे अच्छा कलर आ जाएगा। और इन सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं सूजी वगैरह, इससे क्या है बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा ये, बहुत ही अच्छा और जूसी बनेगा बिल्कुल। तो चलिए हम सबको मिला लेते हैं इस तरह से। ये सब मिल गया है, ये इसको अच्छे से मैंने मिला लिया है। इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। आप इसको ओवर टाइम भी रख सकते हैं, 4 घंटा 5 घंटा, जितना देर रखेंगे उतना अच्छा बनेगा, उतना जूसी बनेगा ये। चलिए इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं। चलिए 1 घंटा हो गया है, इसको देख लेते हैं। हो गया है, ये गैस मैंने ऑन कर लिया है, तेल गर्म हो रहा है। चलिए इसको हम डाल देंगे, बिल्कुल तेल हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, पूरा हाई गर्म होना चाहिए एकदम तेज़। फिर हम डालेंगे इसको, तेज़ गर्म डालने पे इसका जो मसाला हम लगाते हैं ये जल्दी पकड़ लेगा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इस तरह से ऐसे पूरा मसाला लगा हुआ डालेंगे हम इसके अंदर। तो उसको 1 मिनट तो हम इसको हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी चम्मच से भी चाहे वैसे भी इसको मिलाना नहीं है। इसमें जितना पीस आ जाएगा हम उतना डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए मैंने सबको पलट दिया इस तरह से। अब इसका हम सुने गैस का जो लो है उसको बिल्कुल लो पे कर दिया है गैस का। फिर चलिए इसको देख लेते हैं, देखिए इस तरफ से भी हो गया है ये। चलिए हम सभी को निकाल लेंगे, निकाल लेंगे इसके अंदर। इससे इसके अंदर क्या है जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा सब निकल जाएगा इस तरह से। चलिए तो इस तरह से मैं सबको फ्राई कर लूँगी। चलिए इसको डाल देते हैं इसके अंदर। इसको तेज तौर पर ही इसको रखना है इस तरह, बाद में गैस का हम लो कर देंगे। चलिए इसको देख लेते हैं, ये देखिए हो चुका है ये। इसी तरह हम सबको पलट देंगे। चलिए देख लेते हैं इसको भी, अभी और होगा थोड़ा सा ये। चलिए हो चुका है ये, इसको हम निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से गल चुका है बिल्कुल ये। देखिए फ्राई चिकन बनकर तैयार है, इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है ये और बहुत ही क्रिस्पी होता है ये। देखिए दिखाती हूँ, बिल्कुल जूसी बनता है ये इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है, देखिए चटनी में लगाएं इसको आप। देखिए इस तरह से ये है, पुदीना दही और धनिया की चटनी बनाइए इसके साथ, आप बनाइए इस तरह से खाइए, बहुत ही अच्छा बनता है ये इसी तरह से खा करके। ये देखिए इस तरह से चटनी में लगा करके इस तरह से खाएं आप बहुत ही जल्दी। चिकन कोई भी कच्चा नहीं है इसके अंदर, बस इसका तेल जो है ज़्यादा गर्म होना चाहिए, पूरा गर्म इस तरह से बनाइए। तो इस तरह से बनाकर सभी को खिलाइए आप। मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।